नमस्कार, आज हम बात करेंगे चाइना के इकोनॉमिक क्वेश्चन, इकोनॉमिक सैंक्शंस के बारे में, किस तरह से वो कंट्रीज़ पर दबाव बनाता है, उसे क्या कोर्स ऑफ एक्शन रहता है। कोल्ड वॉर से पहले तक चाइना मिलिट्री एक्शंस में ज़्यादा बिलीव करता था, वो मिलिट्रली दबाव बनाता था अपनी नेबरिंग कंट्रीज़ को और बाकी कंट्रीज़ को भी थ्रू उनके एलाइज। बट हम देख सकते हैं कोल्ड वॉर के बाद और स्पेशली मिलेनियल टाइम में, सिंस 2000s 2010s, उसने इकोनॉमिक एक्शंस, डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक सैंक्शंस यूज़ करना काफ़ी ज़्यादा शुरू कर रहे हैं, जो नॉन मिलिट्रलाइज्ड कोर्शन के एक्शंस में आता है। तो उसमें उसने काफ़ी एक्सपर्टीज़ करी है रिसेंटली, तो ये हम इसमें डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी कंट्रीज़ को हिस्टोरिकली वो ऐसे दबाव बना पाया है उनके ऊपर, क्योंकि इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट इन द करंट सिचुएशंस कि हम कोर्स ऑफ एक्शन उसका समझें, उसका एनालाइज करें, ताकि प्रेजेंट में अगर ऐसे कुछ सिचुएशंस किसी भी के सामने आए, सो कंट्री कैन बेटर अंडरस्टैंड, नॉट ओनली कंट्री, नॉर्मल लोग जो कंट्रीज़ के हैं, नॉर्मल सिटीजन्स हैं, हम लोग भी इसको ज़्यादा समझ पाएँ। अब एग्जाम्पल लेते हैं एक बैड मैरिज का। उसमें दो लोग साथ में रह रहे होते हैं, बल्कि वो रहना नहीं चाहते, ना ही वो कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं, वो एक दूसरे से परेशान होते हैं वो, लेकिन वो अलग अलग भी नहीं रह पाते ड्यू टू फैमिली इश्यूज़ या बाकी इंटरडिपेंडेंसीज की वजह से। उसी तरह हम इस एग्जांपल को आजकल के डिप्लोमेटिक जो रिलेशंस रहते हैं कंट्रीज़ के बीच में, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स रहता है, उसमें सेम लगा सकते हैं कि स्टेट्स जो हैं वो आपस में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहती, अपने फ़ायदा देखना चाहती हैं, पर फिर भी वो एक दूसरे के बिना नहीं रह पाती बिकॉज ऑफ उनके इंटरडिपेंडेंसीज आपस में, कुछ ट्रेड के बेसिस पे, कुछ अदर इकोनॉमिक रीजंस की वजह से, कुछ उनके नॉर्मल डोमेस्टिक बिजनेस बायर्स की वजह से। तो कंट्रीज़ हमेशा ये बेस ढूंढती रहती हैं कि दूसरा किस बात पे डिपेंडेंट है या हम किस बात पे डिपेंडेंट हैं। एक बार कंट्रीज़ को या स्टेट को ये पता चल जाता है कि दीज आर द इंटरडिपेंडेंसीज, वो फिर बेस ढूंढते हैं उसे हेज करने के लिए, कि अपना इंटरडिपेंडेंसी कम करके दूसरी कंट्री का डिपेंडेंस कैसे बढ़ाएं, ताकि हम उनके बेसिस पे आगे कोई भी बात मनवानी हो तो हम इस इशू को हेज कर सकें। तो चाइना ने ये पाथ अपनाया है अभी रिसेंटली, वो रेकग्नाइज़ करता है कि कोई कंट्री किस चीज़ पर डिपेंडेंट है, या उससे क्या एक्सपोर्ट करती है, या क्या मेजर उसके डिपेंडेंसी रहती है एज इन रिपब्लिक ऑफ चाइना के ऊपर। पहले वो अपनी डिपेंडेंसी कम करता है, देन अगर कोई ऐसा इशू आता है जिसे अपने फेवर में वो करना चाहता है, देन इट यूजेस दोज इकोनॉमिक इश्यूज, इकोनॉमिक सैंक्शंस, जिसके बेसिस पे उसे पता है कि द कंट्रीज विल हैव टू गिव इन। तो ये उनका ब्रॉडर कोर्स ऑफ एक्शन रहता है रिसेंटली। इसी कोर्स को फॉलो करते हुए चाइना का एक मेजर कोर्ट रहता है, जिसे बोलते हैं वो मिडिल किंगडम सेंट्रलिटी। जिस तरह से हिस्टोरिकली वो क्लेम करते हैं कि चाइना यूज्ड टू बी अ सुपर पावर, उसकी मिडिल किंगडम में, मिडिल किंगडम में काफ़ी ज़्यादा दबाव रहता था, काफ़ी उसका कल्चरल दबाव था, इकोनॉमिक दबाव था, उसको वापस लाने के लिए जो CCP ने काफ़ी स्पीचेस दी है, शी जिनपिंग की काफ़ी स्पीचेस आई हैं टू मेक चाइना ग्रेट अगेन काइंड ऑफ, और मिडिल किंगडम सेंट्रलिटी का जो कोर्ट है वो वापस इन लाइफ लाने का, टू मेक इट मोर अलाइव, एंड उसी को ध्यान में रखते हुए CCP की सारी ये स्ट्रैटेजीज आ रही हैं। अभी रिसेंटली देखें कोविड को सेंटर करते हुए, तो फिर इकोनॉमिक सैंक्शंस किसके ऊपर चाइना ने लगाए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप। मेजर जो सफरर है वो ऑस्ट्रेलिया है। जैसे ही कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप जैसी कंट्रीज़ ने कोई भी स्टेटमेंट चाइना के अगेंस्ट दी, या चाइना के इंटरेस्ट के अगेंस्ट दी, हांगकांग से रिलेटेड अगेंस्ट इस नेशनल सिक्योरिटी लॉ दी, या फिर कोविड की उसकी मिसहैंडलिंग के बारे में स्टेटमेंट दी, उसी टाइम पर टू मेक थिंग्स इन फेवरेबल फॉर देम और टू डेटर देम टू डू इट इन द फ्यूचर, कि वो दोबारा ये सब ना रिपीट करें, उसके लिए चाइना ने इमिजिएटली ऑस्ट्रेलिया पे काफ़ी इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए। फॉर एग्जांपल बीफ, वहाँ से बीफ जो एक्सपोर्ट करता था वो बैन हो गया। यही नहीं, उनकी ब्रियोरीज ने भी सफ़र किया, कनाडा के सिटीजन्स का इलीगल डिटेंशन भी किया गया, इवन ऑस्ट्रेलिया के सिटीजन्स का डिटेंशन किया जा रहा है, जस्ट टू क्रिएट प्रेशर
कि यू हैव टू वर्क इन आर फेवर, यू हैव टू गिव स्टेटमेंट्स इन आर फेवर, और आपके अपनी स्टेटमेंट से आपको पीछे हटना पड़ेगा। इवन इन्वेस्टमेंट्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट्स को, देर शुड नॉट बी एनी स्टेप्स टेकन बाई एनी कंट्री अगेंस्ट चाइना। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इतने ग्रेव स्टेप्स, इतने ब्रूटल स्टेप्स कंट्रीज के ऊपर लिए जा रहे हैं, ये क्या स्ट्रैटेजी कब से चलती आ रही है चाइना की, उसका क्या कोर्स ऑफ एक्शन रहता है, क्योंकि ये ना सिर्फ एक स्टेट को इफेक्ट करते हैं, ये एवरी बिजनेसमैन ऑफ एवरी स्टेट इफेक्ट करते हैं, एवरी कंट्री मैन ऑफ एवरी स्टेट जो सफ़र कर रहता है उसको इफेक्ट करते हैं। इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि नीचे तक, ग्राउंड तक सब लोगों को पता हो कि किस तरह से उनसे खेला जाता है, किस तरह से इकोनॉमिक सैंक्शंस का हवाला देकर उनको अपने डिप्लोमेटिक टाइज बढ़ाने की कोशिश करता है चाइना, किस तरह से अपनी इंटरेस्ट की बात करवाने के लिए किस तरह का कोर्स ऑफ एक्शन फॉलो करता है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हिस्टोरिकली कौन सी कंट्रीज़ ने चाइना के इकोनॉमिक सैंक्शंस का सफ़र किया है, और किस तरह से चाइना क्या टैक्टिक्स यूज़ करता है, क्या रैशनली यूज़ करता है, और क्या उसका पूरा सेटअप रहता है किसी पर भी इकोनॉमिक सैंक्शन लगाने का, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कितने छोटे छोटे इश्यूज़ की वजह से इकोनॉमिक सैंक्शंस और ये वॉल ऑफ सैंक्शंस खड़ी हो जाती हैं, वॉल ऑफ इकोनॉमिक कोएर्शन खड़ा हो जाता है चाइना और छोटी कंट्रीज़ के बीच में। तो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट एट दिस वेरी पॉइंट। फर्स्ट कंट्री जो हम डिस्कस करेंगे वो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इतनी बड़ी कंट्री ने भी चाइना के इकोनॉमिक सैंक्शंस को सफ़र किया है, स्पेशली इन जून 2018 जब WTO की मीटिंग हुई थी, तो US एम्बेसडर डेनिस शिया ने बोला था कि चाइना फॉर्स टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र रिमेन्स एन इम्प्लिसिट रिक्वायरमेंट फॉर ओवरसीज कंपनीज होपिंग टू एक्सेस चाइनाज डोमेस्टिक मार्केट स्पेशली थ्रू पार्टनरशिप्स विद SOEs, स्पेशल मास सब्सिडाइजेशन हो रही है SOEs की। कैसे कि अगर US की कंपनीज़ को चाइना डोमेस्टिक मार्केट चाहिए, उनको चाइना की ह्यूज मार्केट चाहिए कैप्चर करने के लिए, तो चाइना पुट्स अप लॉट ऑफ रिस्ट्रिक्शंस, लॉट ऑफ टर्म्स एंड कंडीशंस कि उनको दीज बिजनेसेस विल हैव टू कन्विंस देयर गवर्नमेंट बैक होम, मतलब US गवर्नमेंट को, टू वर्क इन चाइनाज फेयर फेवर, उनके ट्रेड के फेवर में काम करना पड़ेगा, टैरिफ्स कम करने पड़ेंगे। यही नहीं, 2018 में शी जिनपिंग ने काफ़ी टॉप अमेरिकन बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स के साथ एक ग्लोबल CEO काउंसिल हुआ था बीजिंग में, उसमें अटेम्प्ट किया था कि वो US के जो टॉप बिजनेस एग्जीक्यूटिव हैं उनके साथ बात करें, उनको कन्विंस करें कि US गवर्नमेंट उनके साथ ट्रेड टेंशन कम करें। इस तरह से वो फ्रेंड्स ऑफ चाइना क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, दे ट्राई टू बाय द बिजनेस पीपल बाई giving them the market of China और return में asking to lobby on their behalf in their home country। तो US ने इस तरह से काफ़ी ज़्यादा सफ़र किया है, उसका काफ़ी business drain हुआ है China में using by this method of economic coercion of China। नेक्स्ट कंट्री जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है नॉर्वे। एक छोटी सी यूरोप की कंट्री है, उससे क्या इशू हो सकता है चाइना का? द इशू वाज़ कि वहाँ पर नोबेल प्राइज़ का जो नोबेल प्राइज़ दिया जाता है वो ऑर्गेनाइज़ किया गया था नॉर्वे के अंदर, और वहाँ पर एक पॉलिटिकल चाइनीज़ पॉलिटिकल डिसेंडेंट है जो ऑलरेडी अपनी सज़ा काट रहे हैं चाइना में फॉर मेकिंग रिमार्क्स ऑन द CCP, मेकिंग रिमार्क्स ऑन द प्रेजेंट गवर्नमेंट। तो उनके ऊपर ल्यू जियाबाओ के नाम से उनको वहाँ पर नोबेल प्राइज़ दिया गया था बीइंग इन नॉर्वे की वहाँ पर ऑर्गेनाइज हो रहा है। दिस हैज़ नथिंग टू डू विद द कंट्री नॉर्वे, बट नोबेल प्राइज़ की जो ऑर्गेनाइजेशन थी, पर चाइना ने तभी से नॉर्वे पर सैंक्शंस लगाने शुरू कर दिए, बोथ इकोनॉमिक एंड डिप्लोमेटिक, बल्कि इट वॉज नन ऑफ द फॉल्ट ऑफ द कंट्री। ये इसलिए किया गया, उसका ब्रॉडर गोल ये था कि कंट्रीज को पता हो कि उन्हें कुछ भी ऐसी चीज़ में पार्ट नहीं लेना चाहिए जो चाइना के इंटरेस्ट को फेवर ना करते हों, उसके इंटरेस्ट को डिटर करते हों। इसका और ब्रॉडर गोल ये था कि इस एक कंट्री को सफ़र करवाने की वजह से, एक छोटी सी कंट्री को अगर चाइना ने इतनी ज़्यादा इकोनॉमिक सैंक्शंस करके एक लोअर पार्ट पे ला दिया है, तो बाकी कंट्रीज़ के साथ वो कितनी बड़ी इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा सकता है इफ़ दे टेक सिमिलर स्टेप्स। तो ये एक ब्रॉडर मैसेज चाइना देना चाहता था कि इफ़ any country does any work against the will of China, against the interest of China, China यही course of action follow करेगा।
अब बात करेंगे कि चाइना ने किस तरह के सैंक्शंस लगाए। सबसे पहले डिप्लोमेटिक सैंक्शंस में उसने सारी एक्सचेंज विजिट्स बिटवीन नॉर्वे और चाइना टू साइडेड टर्मिनेट कर दी। ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन सारी टर्मिनेट हो गई, सारी नेगोशिएशन फ्री ट्रेड ट्रीटीज सारी फ्रीज हो गई उसी टाइम पर। नेक्स्ट चाइना ने सैंक्शंस इम्पोज कर दिए नॉर्वेगन सैल्मन एक्सपोर्ट्स को। जो स्टैटिस्टिक्स बताते हैं उसके हिसाब से नॉर्वे की मार्केट फॉर फ्रेश सैल्मन जो थी इन चाइना 90% इन 2010 से गिरकर सिर्फ 30% रह गई इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 2013। उसके बाद एक जो चाइना ने किया उसने नॉर्वेगन फॉर्मर जो प्राइम मिनिस्टर थे उनको वीज़ा नहीं दिया, इट डिनाइड वीज़ा टू द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ नॉर्वे। और उसने क्या किया, एक ट्रीटी शुरू होनी थी यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ में जिसमें वीज़ा फ्री ट्रांजिट मिलता स्पेशली डिप्लोमेटिकली इम्पॉर्टेंट लोगों को और हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट्स को। चाइना ने नॉर्वे को उससे इंक्लूड किया, नॉर्वे हैड टू अप्लाई फॉर वीज़ा अगर उसे चाइना ट्रैवल करना है। एंड देन सारे डिप्लोमेटिक और सीनियर लेवल एक्सचेंजेस नॉर्वे और चाइना के बीच में एकदम रुक गए। अब अगर हम बात करें कि ऐसे क्या टैक्टिक्स रहे चाइना के, ऐसे क्या रैशनल रहा जिसकी वजह से नॉर्वे पर इतना ज़्यादा प्रेशर आ गया टू गिव इन टू चाइना। सबसे पहले ये बात है, चाइनीज़ सैंक्शंस इस केस में सिंबॉलिक थी, पावरफुल नहीं थी, मोरली सिंबॉलिक और सिग्नलिंग थी। अगर हम देखें सैल्मन एक्सपोर्ट्स जिसको जिसके ऊपर सैंक्शंस लगाई गई, चाइना मेजर एक्सपोर्टर नहीं है नॉर्वे के सैल्मन का। मेजर एक्सपोर्टर्स हैं रशिया, यूरोपियन यूनियन, जापान, यूनाइटेड स्टेट्स। 2% से भी लेस सैल्मन नॉर्वे का जाता है चाइना को। तो हम देखें इकोनॉमिकली तो सैल्मन के ऊपर सैंक्शंस जो लगाई गई थी वो इफ़ेक्ट नहीं करती नॉर्वे को, बट क्या उसे डैमेज कर रहा है। चाइना की एक ऑर्गेनाइजेशन है चाइनाज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्वालिटी सुपरविजन इंस्पेक्शन एंड क्वारंटीन, AQSIQ, जो जिसके बेसिस पर चाइना ने सैंक्शंस लगाया। उस ऑर्गेनाइजेशन ने ऐसा निकाला कि देयर आर सम फूड सेफ्टी इश्यूज विद नॉर्वेगन सैल्मन। अब नॉर्वे के लिए सैल्मन उसका प्राइड है, इट इज़ लाइक अ नेशनल सिंबल, इट इज़ द नेशनल फिश। जिस तरह से एयरबस यूरोप का प्राइड है, उस तरह से नॉर्वेगन सैल्मन वहाँ का नेशनल सिंबल है, एक नेशनल प्राइड है। वहाँ के सैल्मन को सेफ्टी इश्यूज आए इज़ मोर ऑफ अ डिसरिस्पेक्ट। तो ये चाइना को पता था, तभी उसने इस तरह के सैंक्शंस लगाए, फूड सेफ्टी इश्यूज को स्टेट करते हुए सैंक्शंस लगाए, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा प्रेशर बनाएगा बिकॉज इट इफ़ेक्ट्स द प्राइड ऑफ द कंट्री। अगर हम इसी तरह देखें बाकी डिप्लोमेटिक सैंक्शंस भी इतने ज़्यादा रेलिवेंट नहीं थे, बस सिम्बॉलिक रहे थे कि अगर सारी ट्रेड डील्स रुक गई थी। अगर हम देखें तो चाइना ने कुछ ऐसे सेक्टर्स थे उनके ऊपर बिल्कुल भी कोई सैंक्शन नहीं लगाए। फॉर एग्जांपल डीप वाटर ड्रिलिंग, डीप वाटर ड्रिलिंग नॉर्वे की स्पेशलिटी है और चाइना उसकी हेल्प से साउथ चाइना सी में उसकी एनर्जी एक्सप्लोरेशन के लिए उनकी जो टेक्निक्स है डीप वाटर ड्रिलिंग की वो यूज़ करना चाहता है, तो उसने उस सेक्टर को बिल्कुल भी टच नहीं किया। ऐसे काफ़ी हाई सेक्टर्स हैं जिससे चाइना को खुद इकोनॉमिक लॉस हो सकता था अगर वो उनको इफेक्ट करे, उनके ऊपर सैंक्शंस लगाए। तो चाइना देख सकते हैं कि इसमें हाईली सिलेक्टिव रहता है अपने प्रोसेस के बारे में, वो ऐसे सेक्टर्स चूज़ करता है कि उसे खुद लॉस ना हो, और वो फोकस करता है लार्ज स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज पे या लार्ज प्राइवेट बिजनेस पे जो उसे इफेक्ट ना करते हों। ये उसकी सिलेक्टिव पॉलिसी रहती है इकोनॉमिक कोअर्शन के लिए। नेक्स्ट मेजर कंट्री जिसने सफ़र किया है वो है साउथ कोरिया। थार्ड जो यूएस का बॉलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है उसके अगेंस्ट काफ़ी बार चाइना ने प्रोटेस्ट किया है, उसने सिस्टमेटिकली अपोज किया है यूएस का ये सिस्टम कि वो साउथ कोरिया इसे अडॉप्ट करे, इसे वहाँ पर लगाए। तो जैसे ही साउथ कोरिया ने इसके ऊपर काम करना शुरू किया, उसने इसको सेटअप करने की कोशिश करी, चाइना ने इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा दिए जैसे ही यूएस और साउथ कोरिया के बीच में थार्ड को लेकर अग्रीमेंट हुई। उसका रैशनल यही था दोबारा से कि स्टेट्स को पता चल सके कि अगर वो उसके इंटरेस्ट में काम नहीं करेंगे, उसके कोर इंटरेस्ट को हार्म करेंगे, तो वो इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाएगा।
चाइना ने काफ़ी बार फॉरेन मिनिस्ट्री ने रेपिटेडली साउथ कोरिया को अर्ज किया कि वो इंस्टॉलेशन प्रोसेस को रोक दे और फर्दर ऐसे जो रॉन्ग पाथ पे चलना, मतलब रॉन्ग पाथ फॉर चाइना इज़ अगेंस्ट उसके कोर इंटरेस्ट पे चलना बंद कर दे। अब चाइना ने इस केस में कैसे टाइप के इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए? सबसे पहले तो चाइना ने साउथ कोरिया की जो भी म्यूज़िक और ड्रामा स्ट्रीम होते थे बहुत ज़्यादा नंबर में सारी चाइनीज़ वेबसाइट्स और टीवी चैनल्स पे बंद कर दिए। नॉट अ डिफ़िकल्ट टास्क फॉर चाइना बिकॉज जिस तरह से उसका कंट्रोल है अपने ऑनलाइन स्ट्रक्चर्स पर वो इजीली ये कर सकता था। उसका फर्स्ट स्टेप ये था जिसने काफ़ी इकोनॉमिकली इफ़ेक्ट किया बिकॉज चाइनीज़ पॉपुलेशन काफ़ी लार्ज नंबर में थी जो ये देखा करती थी। नेक्स्ट जो कोरियन पॉप स्टार्स हैं उनको अपने कॉन्सर्ट्स कैंसिल करने पड़े चाइना में बिकॉज चाइना डिड नॉट गिव परमिशन। वो भी एक काफ़ी बड़ा ब्लो था साउथ कोरियन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को क्योंकि वो वर्ल्डली फेमस है। नेक्स्ट चाइना ने मोर देन 20 स्टोर्स, जो लॉटे मार्ट एक साउथ कोरिया की सुपरमार्केट है उसका नाम बहुत ज़्यादा ऑल ओवर वर्ल्ड फेमस है एज अ वेरी सुपर एंटरप्राइज फ्रॉम साउथ कोरिया, उसके मोर देन 20 स्टोर्स चाइना में उसने बंद कर दिए जो ऑपरेट किया करते थे। और चाइना के आप देख सकते हैं चाइना ने काफ़ी ज़्यादा लेवल में इकोनॉमिक कोर्शन यहाँ पर साउथ कोरिया में लगाया एज़ कम्पेयर टू नॉर्वे, बट ये ज़्यादातर सिम्बॉलिक थे और इसने मेजर किसी भी सेक्टर्स ऑफ सीनो जो स्पेशली जिससे चाइना और कोरिया के रिलेशंस इफ़ेक्ट होते थे उसके ऊपर कोई भी इकोनॉमिक रिलेशंस इफ़ेक्ट होते थे जिससे चाइना को भी सफ़र करना पड़ता उसके ऊपर उसने कोई भी ऐसा इकोनॉमिक सैंक्शन नहीं लगाया। वो इस टाइम भी सिलेक्टिव रहा है और उसने कोई मेजर सेक्टर को इफ़ेक्ट नहीं किया, छोटे छोटे सेक्टर को इफ़ेक्ट किया जो सिर्फ प्रेशर बिल्डिंग में हेल्प करे। अगर हम दोबारा से टैक्टिक्स पर ध्यान दें तो यही आता है कि चाइना ने मेजर किसी सेक्टर पर जो उसको इफ़ेक्ट करे उसने बिल्कुल भी उसके ऊपर फोकस नहीं किया। फॉर एग्ज़ाम्पल चाइना को साउथ कोरिया से क्या चाहिए, वो है मेजरली इलेक्ट्रॉनिक्स, इंडस्ट्रियल केमिकल प्रोडक्ट्स, ऑप्टिकल मेडिकल इक्विपमेंट, जिसके ऊपर चाइना ने बिल्कुल भी सैंक्शंस नहीं लगाई। जहाँ तक लॉटे मार्ट्स की बात है कि वो शायद कई लोग कहें कि मेजर चेन हो सकती है चाइना के लिए भी लॉस हो सकता है कि उसके पास मेजर ऑप्शन ना हो, पर ऐसा नहीं है, उसके पास एग्जिट ऑप्शंस ऑलरेडी प्रिपेयर्ड थे उसके नेशनल ऑप्शंस। तो हम देख सकते हैं कि चाइना काफ़ी सिलेक्टिव प्रोसेस यूज़ करता है इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाने को कि जिससे उसको इफ़ेक्ट ना हो लेकिन बाकी कंट्रीज़ पर बहुत ज़्यादा प्रेशर बिल्ड हो सके। काफ़ी ऐसी कंट्रीज़ के और भी एग्जाम्पल हैं जैसे ताइवान और साउथ चाइना सी के काफ़ी ऐसी कंट्रीज़। तो ये अभी इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि सिमिलर टैक्टिक्स वो ऑस्ट्रेलिया पे प्रेजेंटली यूज़ कर रहा है और शायद आगे काफ़ी और कंट्रीज़ पे भी करें। सो इट बिकम्स इम्पॉर्टेंट कि कंट्रीज़ इसके लिए तैयार रहें, नॉर्मल लोग इसके लिए तैयार रहें क्योंकि ऑस्ट्रेलिया पे सैंक्शंस लगाते ही ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट टुक वेरी नाइस स्टेप्स स्टेइंग ऑन देयर। जैसे ही ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने अपने स्टेप्स पे रहने की कोशिश करी तो उनके डोमेस्टिक लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया कि वी आर सफरिंग सो ऑस्ट्रेलिया को अपने रिलेशंस ठीक करने चाहिए चाइना से। इसीलिए इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हर एक आदमी को कंट्री में पता हो कि चाइना जैसे रिपब्लिक किस तरह के स्टेप्स ले सकता है और उन्होंने अपनी कंट्री की गवर्नमेंट के साथ स्टैंड अप होना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। तो तभी ये कंट्रीज़ के बारे में हिस्टोरिकली जानना इम्पॉर्टेंट रहता है ताकि हम प्रेजेंट में वी कैन फाइट द सर्कमस्टांसिस इफ़ दे कम आवर वे।